नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक वर्गाकार पार्क को समान क्षेत्रफल के दो आयतों में विभाजित किया जाता है। यदि इनमें से प्रत्येक आयत का परिमाप 39 मीटर है तो वर्गाकार पार्क की परिमाप क्या है। ठीक है, उसने कहा कि एक पार्क है जो कि वर्गाकार है, तो हमने एक वर्गाकार पार्क बना लिया। अब प्रश्न ने कहा है कि इस पार्क को समान क्षेत्रफल के दो आयत में विभाजित किया गया है, तो हम इसको बीच से डिवाइड कर लेते हैं। ये हमने बीच से इस पार्क को डिवाइड कर लिया है। ठीक है, इन दोनों के क्षेत्रफल क्या हैं, समान हैं। अब इसमें से आगे उसने कहा यदि इनमें से प्रत्येक आयत का परिमाप 39 मीटर है तो वर्गाकार पार्क की परिमाप क्या है। ठीक है, तो पहले तो हमें वर्गाकार पार्क की लंबाई या चौड़ाई जो कि भुजा कहलाती है वो नहीं दी गई थी, तो हमें मान लेते हैं कि जो वर्गाकार पार्क है उसकी भुजा की लंबाई कितनी है, a है। ठीक है, अब यह आधा आधा हमने डिवाइड किया है, तो यहां से यहां तक ये कितनी होगी, a by 2। ठीक है, तो लंबाई यानी इस साइड की भुजा की लंबाई है a और यहां से यहां तक ये कितनी है, a by 2। तो जो हमारा आयत बना है जो दो टुकड़े हुए हैं, तो आयत की लंबाई, तो जो आयत की लंबाई है वह तो इसी भुजा के बराबर है जो कि हमारी a है, तो आयत की लंबाई हो जाएगी a और जो चौड़ाई है वह हो जाएगी a by 2, क्योंकि चौड़ाई क्या है, आधी कर दी है। अब हमारा आयत इतना एरिया आयत कहलाएगा। ठीक है, तो आयत की लंबाई हो गई a और चौड़ाई हो गई a by 2। अब हम निकाल लेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप उसने हमें दिया है 39 मीटर। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, दो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 39, दो बाहर रहेगा, लंबाई है a और चौड़ाई है a by 2 बराबर 39। a का लेंगे LCM तो यहाँ 2a और प्लस a, यानी यहाँ हो जाएगा 3a बटे 2 बराबर 39, 2 से 2 कट जाएगा, a बराबर आएगा 39 भागे 3, 3 से काटेंगे 13 × 39, a बराबर आ जाएगा 13 मीटर, यानी कि जो वर्गाकार पार्क है उसकी भुजा की लंबाई निकल के आई 13 मीटर। अब उसने हमसे पूछा है कि वर्गाकार पार्क की परिमाप क्या है, वर्गाकार पार्क की परिमाप, तो वर्ग की परिमाप क्या होती है, 4a यानी 4 × भुजा और भुजा की लंबाई आई है 13 मीटर, 13 × 52, तो 52 मीटर हमारा क्या निकल आएगा, वर्ग का जो पार्क है उसका परिमाप निकल के आ जाएगा 52 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहला बात यही था कि जब एक वर्गाकार पार्क को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया तो दो आयत बन गए हमारे। ठीक है, तो आयत की जो लंबाई होगी वह वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई के बराबर होगी, लेकिन जो चौड़ाई होगी वो वर्गाकार पार्क की भुजा की आधी होगी, इसलिए हमने लंबाई को a माना है और चौड़ाई को a by 2 माना है। ठीक है, अब उसने जो आयत का परिमाप दिया था उसका सूत्र लगा के हमने आयत की भुजा यहाँ पर निकाल ली। जब आयत की भुजा आ गई तो वर्गाकार पार्क की परिमाप का फॉर्मूला लगा के हमने वर्गाकार पार्क का परिमाप निकाला जो कि 52 मीटर निकल के आया। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।